दोस्तों अभी अभी गाजीपुर से एक दुखद खबर आ रही है, जहां सुवल थाना क्षेत्र के ढाईनी मार्ग पर कल शाम करीब 4 बजे दानापुर से सेना भर्ती में फिजिकल टेस्ट देकर लौट रहे युवाओं से भरी एक मिनी बस पलट गई, जिससे उसमें सवार युवा बस के अंदर ही दब गए। दरअसल यह बस ढाईनी की तरफ से तेज रफ्तार सुवल की तरफ जा रही थी और रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और इसकी सूचना सुवल पुलिस को दी गई। इस घटना में सेना भर्ती देखकर लौट रहे 11 युवा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोस्तों मिनी बस में दबे युवाओं को ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया। घायलों को पहले निजी चिकित्सक के यहां प्राथमिक उपचार कराने के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई युवाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। इसकी सूचना घायल युवाओं के परिजनों को होते ही आनंद फानन में सभी अपने बच्चों को देखने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंच गए हैं। घटना में घायल एक युवा ने बताया कि सभी लोग दानापुर में आयोजित सेना भर्ती में फिजिकल टेस्ट देकर ट्रेन से दिलदारनगर पहुंचे थे और वहां से एक मिनी बस रिजर्व कर गांव के लिए निकले थे। उसने बताया कि मिनी बस चालक को बार बार बस धीरे चलाने के लिए कहा जा रहा था, पर वो बात को अनसुना कर अपनी धुन में तेज गति से बस चलाते जा रहा था। सोल थाना के अंतर्गत गांव पास जो बस पलटी है, करीब सब लड़के यंग हैं, 8-10 लड़के लगभग आए हैं, सबका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, सब ठीक ठाक हो जाएगा।